इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम दिखाने वाले हैं चुनार जंक्शन का पूरा अपडेट, यानी चुनार जंक्शन पर रेलवे स्टेशन की पूरी जानकारी देंगे और अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना अंतर्गत यहां पर काम भी किया जाए तो उसका अपडेट दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चुनार से आपने ट्रेन की यात्रा किया है इस जंक्शन से तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। तो सीधा आप देख सकते हैं अमृत भारत के अंतर्गत यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन का जो पुनर्विकास का कार्य है ये देख सकते हैं, ये है पुनर्विकास का कार्य। यहाँ पर बनकर तैयार होगा काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ेगा यह स्टेशन, क्योंकि मिर्ज़ापुर में 3 रेलवे स्टेशन को किया जाना, उसमें चुनार भी शामिल है। चुनार जंक्शन जो मिर्ज़ापुर में स्थित है, इसका जो कोड है वो है CAR। आपको बता दें अमृत योजना के तहत मिर्ज़ापुर जनपद के 3 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास किया जाएगा जिसमें चुनार भी शामिल है। दोस्तों आपको बता दें 3 रेलवे स्टेशन में चुनार भी शामिल किया गया है और इसको शीघ्र ही आधुनिकीकरण के लिए यात्रियों की सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। बता दें आपको कि रेलवे स्टेशन पर आधुनिक तरीके से फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। फुट ओवर ब्रिज के जरिए यात्रियों को सीधे प्लेटफॉर्म तक ले जाने की सुविधा मिलेगी एवं नगरवासियों के लिए रेलवे स्टेशन पर इस पार से उस पार जाने के लिए भी सुविधा बनाया जाएगा। अभी फ़िलहाल फुट ओवर ब्रिज के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। दूसरे चरण के तहत DFCC की 2 लाइनों का निर्माण शीघ्र ही पूरा हो जाएगा, जिसका काम अभी चल रहा है, शेष रह गया हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने अधिकारियों के साथ दूसरे फेज के कार्य का निरीक्षण किया, जिसको पूर्ण होने के लिए भी बोला गया है। चुनार जंक्शन का ये सीट है, आगे और भी सीट है। घर सामने आप देख सकते हैं मालगाड़ी ट्रेन का आवागमन TFCC पर हमेशा की तरह आज भी चल रहा है। इधर देख सकते हैं ये फुट ओवर ब्रिज, ये इस पार से उस पार जाने के लिए लोग यात्रियों के लिए बनाया गया है। चुनार जंक्शन ये देख सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, स्टार्टअप इंडिया। सामने ये कर काम होता है, उप स्टेशन अधीक्षक यहाँ रहते हैं। ये निकास द्वार, ये देख सकते हैं आवश्यक सूचनाएं। आप मालगोदाम कार्यकाल उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे चुनार। इधर अमृत भारत योजना अंतर्गत जो कार्य किया जा रहा है रेलवे विकास के लिए, इसलिए इधर ये 3 सेट से बैरिकेडिंग कर दिया गया ताकि आम जनमानस को काम में व्यवधान न हो पाए। ये भारतीय रेल आपकी सुखमय यात्रा की कामना करती का। यहाँ पर देख सकते हैं चुनार जंक्शन, ये प्रवेश द्वार है। इसी के सामने देख सकते हैं ये कंप्यूटरीकृत आरक्षण एवं टिकट घर है। बगल में SBI का ATM है और जो विकास कार्य का कार्य किया जा रहा है अमृत भारत योजना अंतर्गत, तो उसका रॉ मटेरियल यहाँ तैयार किया जा रहा है। जैसे देख सकते हैं ये खंभे इत्यादि
यहीं से वेल्ड होकर के जाएंगे। ये यहाँ पर ये पार्किंग व्यवस्था है। यहाँ पर ये रात में ये लाइट जलती हुई आपको ट्रेन के समय सूची बताएगा, कब अराइवल होगा, कब डिपार्चर होगा, प्लेटफॉर्म नंबर, किस पर कौन सी ट्रेन आ रही है। ये बोर्ड है जो अभी डे है इसलिए नहीं चल रहा, रात में चलता है। और यहाँ ये मंदिर जैसे हर रेलवे स्टेशन पर होता है। ये श्री हनुमान जी की मंदिर यहाँ पर है, जय बजरंग बली। और ये फुट ओवर ब्रिज पर चलने के लिए ये रास्ता यहाँ से है। चुनार जंक्शन जो मिर्ज़ापुर का एक नामचीन स्टेशन के रूप में माना जाता है, ये चुनार जंक्शन। आपको बता दें कि मिर्ज़ापुर में टॉप 10 ऐसे और भी स्टेशन हैं जहां से आप रेलवे यानी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं। जैसे मिर्ज़ापुर जिसका कोड है MZP, यहां से किलोमीटर की बात करें तो 30 किलोमीटर। विंध्याचल जिसका कोड है BDL, यहां से 38 किलोमीटर की दूरी पर है। और चुनार जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद बात करें तो लूसा, यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर ये स्टेशन। और अगला है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की दूरी यहाँ से है 12 किलोमीटर। कछवा रेलवे स्टेशन इसकी दूरी यहाँ से है 23 किलोमीटर। अरोरा रोड का रेलवे स्टेशन जिसका कोड है ARW, 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों आठवां रेलवे स्टेशन है कैलाहट जिसका कोड है KYT, जो 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला है डगमगपुर जिसका कोड आपको देखने को मिलेगा DAP, जो 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला है दसवां जो लास्ट है गैपुरा GAE। आप यहां से कमेंट करके बताइए कितने किलोमीटर दूरी पर है चुनार से गैपुरा की दूरी। अभी यहां पर दोस्तों इस रेलवे स्टेशन का जो है पुनर्विकास कार्य चल रहा है। ये देख सकते हैं पेंटिंग अभी नया हाल फिलहाल में हुआ है। यहाँ तक यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन बनाया गया है। और इधर है जो कमर्शियल रेलवे स्टेशन है, रेलवे ट्रैक, ये कमर्शियल यूज के लिए है रेलवे ट्रैक। देख सकते हैं आके कोयला की गाड़ी खड़ी है, यानी माल वाहक ट्रेन खड़ी है, इस पर कोयला लदा हुआ है। इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर अमृत भारत योजना अंतर्गत जो रेलवे का पुनर्विकास किया जा रहा है तो उसका कार्य देख सकते हैं। यहाँ पर ये पेंटिंग कार्य चल रहा है। और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर, उस पर ये बड़ा सा पताका यानी झंडा लगा हुआ है। दोस्तों आज आप इस वीडियो में देखे हैं चुनार रेलवे स्टेशन के बारे में और अमृत भारत योजना के अंतर्गत कितना कार्य हुआ है उसके बारे में अपडेट जाना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।